बट द बॉयज इज स्टिल स्लीपिंग। सुबह तो हो गई है इनकी, लेकिन ये दोबारा नीचे आके सोए हैं। मम्मा ने कहा था थोड़ी देर और सो जाएं, तो इसलिए ये आके सो गए हैं अभी। तो क्या सुबह नहीं होगी बर्थडे बॉय की? और सोना है? चलो फिर सो जाओ थोड़ी देर और। आपको सुबह सुबह ही हो जाती है? मॉर्निंग हो गई, माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई नहीं अभी तो नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद ख्याल आएगा। आप यार जी, क्या हुआ? सुना, आज अपनी बर्थडे की खुशी में मुदब्बे सबको बजा के सुनाएंगे। गुड बॉय। तो भाई बर्थडे बॉय ने जो है अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया है और अब तैयार है। तो सबसे पहले भाई उन्होंने कहा है कि वो फ्लूट जो है बजाएंगे। हमने फैसला किया है कि आज हम बर्थडे बॉय की तमाम हरकत और सकनात के ऊपर जो है ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, ट्वाइस का जो है पूरा बॉक्स फैला दिया गया है, क्योंकि इन्हें फ्लूट के साथ जो है एक स्टिक आई थी वो फाइंड करनी है। खैर वो तो नहीं मिली, क्या मिल गया फिर आपको दिखाना ज़रा। व्हाट यू फाइंड इट, व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड? केक के। सो द नाइजीरियन पीपल ऑलवेज कॉल्ड इट केक के। वैसे इसे ऑटो कहते हैं। हैंड तो रखा ही नहीं आपने, ऑलवेज पुट द हैंड। ओके, व्हाट यू से? ओके, गुड बॉय। और जी इनके जो ब्रदर हैं उसकी शरारतें तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से। तो आज आपकी बर्थडे तो क्या करूँ? यस स्टडी। बट दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट डू स्टडी। यस या यू कैन डू द पार्टी टूडे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर स्टडी। ओके, स्टडी इज नॉट रिलेटेड टू योर पार्टीज, गेट मी? वॉट कहेंगे ये? I will find it, no problem. Let me know about your breakfast. What you wanna take? Big anda and big paratha. No, big anda and bread egg. I am not having bread and I don't like it. Every time you will eat bread. So please, let's go for the paratha. Am I right? No. Daddy also eat. Yesterday you have already eaten the pancake. Okay, paratha is okay? Okay, are you sure? Okay, I'm going to make you breakfast now. Mohaddis, what are you doing? Ning. सुबह हुई है तकरीबन 11 बजे के करीब। मैंने जो है नाश्ते की तैयारी ऑलरेडी करके रखी है, पराठे के लिए उसका प्रिपेयर करके रखा है, और साथ ही जो है एग भी बीट कर लिया था। तो बस जल्दी से उसका बना देते हैं नाश्ता मुदब्बे का आज। तो पराठा तो बस यहाँ बन रहा है, तो मैं सोची हूँ साथ साथ जो है रात का खाने की तैयारी भी कर लूँ, ताकि बाद में जो है बर्थडे की तैयारी की जाए। नाउ इट हैज़ बीन रेडी, लग तो वैसे अच्छा रहा है। तो आ गई है अब एग की टर्न। मुदब्बे का कहना है कि जितना बड़ा पराठा है उतना ही बड़ा एग भी होना चाहिए, तो बस वही बन रहा है। और ये जो हमारा छोटू है ये तो साथ साथ आपको पता ही है कि शरारतें चलती रहती हैं, और सिर्फ शरारत इसलिए कि इसमें खाना इसलिए कि इसको चाहिए ये पराठा, ये उसी के साथ खाता है। और ये देखें खुद नहीं लेना है बल्कि कह रहा है अय्या पकड़ो बेटा। तो हाँ भाई आपका एग एंड पराठा बराबर हो गए, एग तो ले लीजिए बेटा। व्हाट डू यू थिंक, बोथ आर इक्वल? यस और नो? यस, व्हाट आर यू ईटिंग? चलें, ये हो गया मुदब्बिर का एग। ओके, गो एंड ईट। ये देखें अब ये साथ साथ ये नवाब इसको फॉलो करेंगे अपना जो है नाश्ता। ये जो है इनसे अकेले नहीं होता है, हमेशा जो है ना शिरकत रहती है इनकी। जी बेटा,
Yes, if he eats, so I will make it for you one more. Both of you have to eat with each other. चलें ये देखें, अब होगा हमला, क्योंकि वो जगह सही नहीं थी, क्योंकि वो दूर थी भाई भाई साहब के लिए। तब ये बिल्कुल करीब आके बैठेंगे, उसके बाद ये इनके अंडे को जो है तितर बितर छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद इनकी आवाज़ आएगी, तो बस समझ लिए रोज़ की कहानी है। ये देखें ये फरमाइश जा रही है कि जो है मुझे ये तोड़ के खिलाया जाए। वो भी नवाब है, वो भी उनको कह रहे हैं हाथ लगाओ गर्म है। तो बस अल्लाह ताला ये मोहब्बत इन दोनों भाइयों की कायम और दायम रखे। ये देखें माशाल्लाह, इज इट टेस्टी? यस, गुड बॉयज। अंडा पसंद है? हाँ, वो भी आप ही के साथ। येस्टरडे आई मेक इट फॉर हिम बट ही डिड नॉट ईट, एट नाइट आई फिनिश इट, टू और थ्री टाइम्स आई गिव हिम अगेन एंड अगेन। व्हाट हैपन मोहदिस? मारे कालो मेरे फ्राई एग। यस, मारे नो कालो, थ्री टाइम्स यू कॉल्डिंग मारे नो कालो। यस, मारे कालो मेरे। यस, ही जस्ट लव्स टू ईट विथ यू। Yes, he likes you a lot. That's why he just want to share it with you. MashaAllah. Chalein, let him eat and you also enjoy your breakfast. Ji beta. Okay, I will give you. Good boy. That's like a good boy to bring it by your own. चले जी, इन दोनों को देते हैं नाश्ते करने का टाइम। बस ये फिजा थोड़ा टाइट बंद कर देती है। मिस्टर मोहदिस, व्हाट आर यू ईटिंग? बस साथ साथ पानी चलता रहेगा भाई। ये बहुत अच्छी आदत मैंने मेरे दोनों बेटों की है, मुदब्बिर हों या मोहदिस, मुझे ये परेशानी नहीं होती कि इन्हें बहुत सारा पानी पिलाना है। बच्चे खुद ही पानी पी लेते हैं, और ये मैंने आदत इनकी बचपन से डाली है। डाली कैसा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह है, और अब थोड़े से टीथिंग प्रोसेस है तो इसलिए भी ऐसा हो रहा है बेटा। यस, वक्त तो मैंने सोचा कि रात का खाना बनाना है, तो साथ में मैंने जो है उसकी माश की दाल बिल्कुल सुबह सुबह जो है उसको सोख कर दी थी, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं बन रहा है, बस माश की दाल है। शायद मुतब्बे को पिज़्ज़ा बना दूँगी और माश की दाल के साथ शायद नान बना लूँ, डेफ़िनेटली बना ही लूँगी नान भी। तो चलें बस इसको जो है स्टीम करते हैं। आप सोचेंगे कुकर में, तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग चूल्हे पर रखते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ तो सिलेंडर यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मेरी आदत हो गई है कि मैं गैस को सेव करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक विसल आएगी और ये सॉफ़्ट हो जाएगी, तो ज़रूरत ही क्या है बहुत देर तक इसको चूल्हे पर रख के नरम करने की। तो चलें फिर करते हैं हम अपना काम, और फिर आगे जो जो होता है आपके साथ भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। स्विमिंग पूल मेरे ख्याल देखते हैं, डैडी को अगर टाइम होता है, आज तो शायद नहीं जा पाएंगे स्विमिंग पूल, लेकिन ये है कि जिस दिन भी टाइम होता है इंशाल्लाह चलेंगे स्विमिंग पूल। सही है, तो चलें बच्चों को करने देते हैं पहले नाश्ता, और मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर जहाँ मुतब्बे का कुछ सामान वगैरह है। ओके, बर्थडे के लिए मैंने ये कुछ सामान जमा किया हुआ है, तो ये मुझे उस टाइम ऐसे मिल गई थी बस, तो एक मैंने ये बाय कर ली थी। इसके अलावा मुदसर ले आए थे इसके लिए कुछ ये ब्लू बलून, और साथ में जो है ये तो हमारे पास पुराना है, तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, तो इस बार इसलिए मैंने कैंडल ले ली थी कि अब कैंडल यूज़ कर लेंगे। और साथ में जो है ना मुदब्बे के बर्थडे के लिए एक फाइफ का एक बलून भी ले लिया था, तो बस ये चीज़ें जो है जमा की हुई हैं। अब देखते हैं कि कौन सा वाला ड्रेस पहनेंगे, कुछ ब्लू मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्लू बलून्स हैं तो मैं सोच रही ब्लू थीम रख लें, और वैसे अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। शर्ट एक ये भी बहुत प्यारी है, लेकिन ये मुतब्बे को अभी थोड़ी सी लूज़ है, तो हो सकता है वो ये वाली शर्ट पहन ले। पिछली बर्थडे पे उसने जो है ये ब्लैक शर्ट पहनी थी ऐसी, और अभी ये ब्लू रखी हुई है, तो मे बी हो सकता है वो ये पहन ले। वैसे मुतब्बे के डैडी डिसाइड करते हैं कि उसने आज के दिन क्या पहनना है, तो मेरा ख़्याल है कि आई थिंक ये पहन लेगा वो। अगर ये ब्लू पहनता है तो साथ में फिर मोहदिस का भी देखते हैं कि वो भी ब्लू ही पहन लेंगे तो अच्छा हो जाएगा।
अगर मुदब्बिर जो है ब्लू पहनते हैं तो फिर शायद मुहद्दिस को भी ब्लू पहना ली जाए। तो यहाँ इसके पास तो काफ़ी शर्ट्स हैं ब्लू के अंदर, तो देखते हैं इनमें से कौन से पहनाते हैं। फाइनल तो जब भी पता चलेगा जब शाम में ये पहन के तैयार होंगे। ये मैंने गिफ्ट पेपर भी पहले ही मंगवा लिया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी निकाल के रख देती हूँ ताकि शाम में जब गिफ्ट पैक करें तो फटाफट पैक हो जाए। और ये जो नवाब है ना, ये इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है कि इसे जो है स्वीट चाहिए। बस आप इसकी हरकतें देखिए, इसे पता है मैं जो है स्वीट जो है छुपा के रखती हूँ, लेकिन इसे पता है कि कहाँ रखी होती हैं। मैंने जो है उसके बर्थडे गिफ्ट में ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी जमा करके रखी हुई हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझसे कह रहे थे कि वो कुछ ना कुछ आज ले भी आएंगे। और इससे पहले मैंने ये एक जो है पेपर मैट के ये मार्कर्स लिए थे, तो मेरा ख्याल है उसे बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं जो उसको बहुत पसंद हैं खाने पीने की, तो वो भी है। और साथ में जो है इंशाल्लाह एक और गिफ्ट ऐड हो जाएगा शाम में अगर मुदसर ले आए तो। अगर नहीं लाए तो भी डिपेंड करता है काम के ऊपर, काम भी साथ साथ करना होता है। और मुदब्बिर से बात हुई थी कि हम शायद स्विमिंग पूल वगैरह चले जाएंगे, तो देखें वो भी किसी दिन जाता है इंशाल्लाह। ये है कि बच्चों को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए जाएं। वैसे भी बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह मिलते ही रहते हैं, टॉयस वगैरह आते ही रहते हैं, तो मैंने इस बार जो है पसंद किया था उसके खाने पीने की चीज़ें, तो वो भी मैंने बहुत सारी नहीं ली हैं क्योंकि अगर दूंगी तो वो सारी वो ही खाएँगे, फिर जो है आप क्लेम करने का हक़ नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैंने बस जो लेकर आई थी उसमें से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें निकाल के दे दी हैं। ये दोनों ये तो मैंने खैर अभी भी ट्राई नहीं की है, तो ये लेकर आई थी, मुदब्बिर को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये साथ में मैंने ये मार्कर्स प्रिंगल्स, तो उसके बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, न सिर्फ मुदब्बिर बल्कि मुहद्दिस भी। इसके अलावा ये मैंगो स्लाइसेस, साथ में ये कैंडी, वैसे इसका शौकीन नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दी है। साथ में एक बिस्किट, चॉकलेट, मैंगो फ्लेवर के ड्राई स्लाइसेस और ये कोकोनट्स। और इसके साथ जो है जो भी ऐड होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो ये एक बहुत प्यारा सा कार्ड भी लेकर आई थी, लेकिन मैं लाई थी ये मुहद्दिस की बर्थडे के लिए, लेकिन अभी तक जो है लिख नहीं सकी बच्चों के साथ, तो हो सकता है शायद ये मैं मुदब्बिर की बर्थडे के लिए लिख दूँ। वरना मैंने आज मुदब्बिर की बर्थडे के लिए भी कार्ड मंगवाया है, इंशाल्लाह अगर वो आ जाता है तो वो लिखेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह मुदब्बिर के लिए ये वाला कार्ड लिखेंगे। इसके काम पहले चेयर से टेबल पे और अपने पसंद का स्केल लेकर, और अब इनको डर लग रहा है नवाब को। दिस स्केल इज ऑल्सो डेंजरस फॉर यू, गिव मी बैक प्लीज। लाइए मम्मा को दे दीजिए, इट्स डेंजरस फॉर यू, आर यू हियरिंग मम्मा, इट्स फॉर मम्मा। मुहद्दिस मम्मा बुला रही है ना बेटे को, लाइए दीजिए मम्मा को। मुहद्दिस दे में सुन ही लेंगे, अभी इन्होंने मुझे ला के दे दिया था लेकिन मैं जो है रख चुकी थी मोबाइल, और एंड अगेन ही टुक इट बैक। थैंक यू सो मच। और अभी इन्हें खेलना है, ये देखें बस पूरा दिन ये काम होते रहते हैं। बल्कि की चाहिए, हमारे घर की सारी कीज जो है ना मुहद्दिस साहब के पास होती हैं आजकल, पूरा दिन फरमाइश चलती रहती है हमारे घर में। ये देखें क्या कर रहे हो बेटा आप, डस्टबिन से जो है ना वो नायलॉन जो है निकाल दिया। ये सिर्फ मुदब्बिर की स्टडी के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें पेंसिल वगैरह का जो है कचरा होता है। और ये देखें नवाब ने सारा निकाल दिया है जल्दी से, और इसके अंदर कोई एक स्वीट का रैपर भी था तो इन्हें वो भी नज़र आ गई है। और मम्मा के आती है अब सारी चीज़ें डस्टबिन में जा रही हैं, तो इससे आपको पता चल जाता होगा कि पूरा दिन जो है मदर्स क्यों कोई काम नहीं कर सकती हैं। मुहद्दिस कीप इट बैक प्लीज। ओहो टुडे मुदब्बिर हैप्पी बर्थडे, सो मुदब्बिर इज हैप्पी। ओके ये जो है ना मुदब्बिर रोज़ की जो आदत हो गई है, वो रोज़ ही मेरे लिए कोई ना कोई फूल बाहर से लेकर आता है। थैंक यू सो मच। और दिस इज़ सच अ सो प्रीटी फ्लावर, ये देखें कितना प्यारा फूल लेकर आया है मुदब्बिर। वो चलें बाबा भी आ गए हैं, आखिर मुदस्सिर ने जो है सामान वगैरह जो है वो भेज दिया होगा। सो फाइनली मुदस्सिर ने जो है ये एक बॉक्स भेजा है, लाइए बाबा।
चलो फिजा ले आओ बेटा, इट्स फॉर मामा प्लीज।